अब जो ये प्लांट देख रहे हैं, ये परचुला का प्लांट है। देखिए इसका हालात कैसे बिगड़ गया है। विंटर सीजन चल रहा था तो बहुत ठंड में ये प्लांट सब डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है। अभी फरवरी महीना चल रही है, थोड़ा थोड़ा करके गर्मी बढ़ रही है। हमें गर्मी सीजन में ज़्यादा फूल पाने के लिए इस परचुला प्लांट का थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है। हमें इस प्लांट की कैसे केयर करने की ज़रूरत है कुछ टिप्स मैं इस वीडियो में बताऊंगी। मैं हूँ ममता, सबको स्वागत करती हूँ मेरी चैनल लिटिल किचन गार्डन पर। फर्स्ट आपका गमले में जितना घास फूस है, जितना खरपतवार है, सबको हटा दीजिए। जितना सूखा ब्रांच है उस सबको भी हटा दीजिए। जिस गमले में जो प्लांट है उसको रिपोटिंग नहीं करना है तो उसको अच्छे से प्रूनिंग कर दीजिए, ताकि उसमें बहुत सारा ब्रांच निकले और आपका गमला बिल्कुल भर जाए और आपको ढेर सारा फूल दे पाए। उसके बाद मिट्टी को अच्छे से कुड़ाई कर दीजिए। कुड़ाई करने के समय थोड़ा सावधानी से कीजिए, क्योंकि उसका रूट में प्रॉब्लम आए तो वो ख़राब हो जाएगा, पौधा आपका मर जाएगा। उसके बाद उसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र डाल दीजिए जो अच्छे से ग्रो कर पाए। जो प्लांट को आपको रिपोटिंग करनी है और जो प्लांट को आप कट किए थे उस ब्रांच को भी आपको लगानी है दूसरा गमले में, उस सब के लिए अब आपको मिट्टी प्रस्तुत करना है। आपको लेना है 40% गार्डन सॉइल, 30% बालू, 30% गोबर का खाद या किचन कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। मैं पहले से ही मिट्टी प्रस्तुत करके रखी हूँ, उसमें ऐड करूँगी 50 ग्राम यूज किए हुए चाय के पत्ती जो मैं धोकर सुखा कर रखी हूँ, 2 चम्मच सरसों खली पाउडर। सरसों खली पाउडर और चाय के पत्ती पौधों का अच्छा ग्रोथ करता है, उसको बिल्कुल हरा भरा कर देता है। फिर 1 चम्मच चूना जो कैल्शियम की कमी दूर करता है, और 2 चम्मच हल्दी पाउडर जो फंगस से प्लांट को बचाता है, और आप नीम खली भी ऐड कर सकते हैं। सरसों की खली, चाय के पत्ती, वो दोनों पौधों का अच्छा ग्रोथ करता है। और जब पौधा डॉर्मेंस में चला गया था तो इसकी ग्रोथ के लिए चूना भी कैल्शियम की कमी दूर करता है, पौधा बिल्कुल शाइनिंग करता है। इस सब को हम मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके हम मिट्टी प्रस्तुत करेंगे, फिर उसमें पौधा लगाएंगे तो हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जिस पौधे को हम सिर्फ प्रूनिंग किए हैं उसमें जो हम खाद डालेंगे उसमें डालेंगे ये चाय की पत्ती, सरसों की खली, चूना और हल्दी या नीम खली, इस सब को मिक्स करके उसमें थोड़ा मिट्टी मिक्स करके हम पौधे में दे देंगे। एक रिक्वेस्ट है, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब वीडियो शेयर करो आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाए। पौधा लगाने के लिए आप 8 इंच या 6 इंच का गमला ले सकते हैं, और थोड़ा चौड़ाई वाला पॉट भी आप ले सकते हैं, और उसमें अच्छे से होल करना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए, नहीं तो ज़्यादा पानी होने से रूट रट होने की चांस रहता है। होल के ऊपर आपको ठेकरा देना है, नहीं तो पानी अच्छे से ड्रेन नहीं होगा। ये जो मेरा यूज़ किया हुआ दिया है उसको मैं तोड़ कर दी हूँ, आप भी इस तरह दे सकते हैं। अब आपको मिट्टी भरना है गमले के ऊपर से, आपको 1 या 1.5 इंची खाली छोड़ना है। थोड़ा गहरे ही खाली रखेंगे तो हमारा जो पौधा घना होगा उसमें मिट्टी को सोलनाइट नहीं मिलेगा तो हमारा पौधा रूट रट होकर मर जाने की चांस है, इसलिए आपको 1 या 1.5 इंच ही छोड़ना है।
अब जो सब ब्रांच परचुला का कट किए हैं, जो पौधा को आप बिल्कुल गमले से उखाड़ दिए हैं, उस सब को आप न्यू गमले में लगा दीजिए और उसमें अच्छे से पानी दे दीजिए और उसको बिल्कुल सनलाइट में रख दीजिए। जो प्लांट को आप लगाए हैं उसमें बिल्कुल न्यू ग्रोथ आ जाएगी और जो सब ब्रांच आप कट किए हैं वो 8-10 दिन में उसमें जड़ भी निकल जाएगी और उसका भी ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब इसी तरह फरवरी महीने में अभी परचुला का प्लांट को लगा दीजिए, जितना सारा आप लगा सकते हैं लगा दीजिए और अच्छे से प्रूनिंग भी बीच बीच में कर दीजिए, तो आपका प्लांट बिल्कुल अच्छे से ग्रो करेगा, बिल्कुल आपका गमला भर जाएगा। जितना प्रूनिंग करेंगे उतना ही घना होगा और उतना ही आप फूल पाएंगे और अपना गार्डन बिल्कुल ब्यूटीफुल दिखेगा। अब देर ना करके आप जल्दी लगा दीजिए। आप इस प्लांट की हैंगिंग बास्केट भी बना सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए मिट्टी दूसरे टाइप का बनाना है, उसको भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर करूँगी। मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं वीडियो शेयर करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाए।